हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा पांच वेबसाइट्स है जहां से आप इंटरनेट से हाई क्वालिटी का मोटिव आप डाउनलोड करके अपना डिजिटल प्रिंट के लिए डिजाइनर बना सकते हैं। बिकॉज एज अ डिजिटल प्रिंट डिजाइनर मुझे पता ही है कि काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरनेट से हाई क्वालिटी का मोटिव डाउनलोड करके डिजाइनर बनाना पड़े एंड वही मोटिव से आपको पूरा डिजाइन को क्रिएशन करना पड़े एंड काफ़ी बार ऐसा हम करते भी हैं। तो एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर आपके माइंड में भी कभी ऐसा सवाल आया होगा एंड बहुत सारा क्वेश्चनिंग भी आया हुआ है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तंजीडेस का, जो फ्रेशर एंड बिगिनर्स एंड ट्रेनर के लिए ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जहाँ से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो वहाँ से ज्वाइन करके अपना डिजाइनिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप अगर करना चाहते हैं, कुछ अगर रिव्यू लेना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम को शेयर करना है, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपना डिस्कशन चालू रख सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा फ्रेशर डिजाइनर है, बहुत सारा बिगिनर है, बहुत सारा एडवांस लेवल का डिजाइनर है एंड इवन मैं भी हूँ। तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको सजेशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी बहुत सारा ऐसा रिक्वेस्ट आया हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए बताओ कि कहाँ से आप हाई क्वालिटी का मोटिव डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब में जो आपका कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बार ऐसा रिक्वेस्ट आया हुआ है कि आपको हाई क्वालिटी का मोटिव कैसे डाउनलोड करना है, उसको पता करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके द्वारा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से एंड कौन कौन सा वेबसाइट है, कैसे आप वेबसाइट से मोटिव डाउनलोड करेंगे, कैसे आप टेक्निक यूज़ करेंगे, कैसे आप बिना वाटरमार्क का मोटिव डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सा वेबसाइट है। तो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा एंड वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिए गाइस। बिकॉज वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बोनस टिप देना चाहूँगा, जिसके द्वारा आपको लिए और भी हेल्पफुल होगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा वेबसाइट हमें मिल जाए जहाँ से अच्छा क्वालिटी का मोटिव तो दिख रहा है, बट उसको हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम राइट क्लिक करके उसको सेव इमेज के ऑप्शन जो है वो हम नहीं कर पाते। तो वो चीज़ आप कैसे कर पाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जिसके द्वारा आप मोटिव को कोई भी वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट, इवन आप पैटर्न बैंक्स जो कि सबसे रिनाउंड वेबसाइट है, जहाँ से आप कभी भी राइट क्लिक करके इमेज डाउनलोड नहीं कर सकते, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो वो टेक्निक आप लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बिकॉज गाइस कई बार ऐसा होता है कि जो डिजिटल प्रिंट का डिजाइनर होते हैं, उनका जो फ्रेशर है, जो बिगिनर होते हैं, उनके मन में तो काफ़ी बार ऐसा मतलब एक बहम, एक मिथ रहता है कि सिर्फ इंटरनेट से मोटिव डाउनलोड करके ही हम डिज़ाइनर बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी बार ऐसा होता है खुद से मोटिव क्रिएशन करना पड़ता है, काफ़ी बार ऐसा होता है खुद से आपको मोटिव रीड्रॉ करना पड़ता है, रिक्रिएट करना पड़ता है। मतलब मोटिव को इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर से आपको डाउनलोड करना, मतलब उसके ऊपर से आपको क्रिएटिंग करना पड़ता है, उसके ऊपर से आपको रीड्रॉ करके पूरा मोटिव को बनाना पड़ता है एंड काफ़ी बार ऐसा होता है हमें खुद से मोटिव क्रिएट भी करना पड़ता है। तो आपको वो भी करना आना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको आगे लेवल पे जा पाएंगे। तो इसीलिए आपको दोनों प्रोसेस को पता होना चाहिए। बट इनिशियल लेवल में आपको बता दूँ कि कैसे आपको मोटिव डाउनलोड करके आप डिज़ाइनर बना सकते हैं, कौन कौन सा वेबसाइट है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलते अपने पीछे में एंड मैं आप लोगों को कुछ ब्राउजर में ले जाकर कुछ वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। तो अभी हम आ गए ब्राउजर में, आपको दिख रहा होगा मैंने सिंपली शटर स्टॉक का इमेज जो वेबसाइट है वो स्टॉक इमेज सेलर का उसका वेबसाइट मैंने खोल के रखा हुआ है। एंड गाइस मैं आपको सिर्फ शटर स्टॉक का इमेज दिखाने के लिए नहीं बुलाया हूँ, और भी बहुत सारा वेबसाइट है। तो बेसिकली आपको शटर स्टॉक का इमेज से कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सारा जो हमारा फ्रेशर बिगिनर डिजाइनर उनको नहीं पता है, इसीलिए मैं आप लोगों को उन लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली शटर स्टॉक का कैसे आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आपको जाना है, कुछ भी आपको लिखना है, चाहे आपको फ्लोरल लिखना है आप फ्लोरल लिख सकते हैं, आपको ट्रेडिशनल लिखना है ट्रेडिशनल लिख सकते हैं, कुछ भी आप जस्ट आपको फ्लोरल तो आपको हर जगह हर साइड से मिल जाएगा, आपको ट्रेडिशनल लिख सकते हैं ट्रेडिशनल पैटर्न लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न लिख के आप जस्ट आप सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत सारा वैरायटीज ऑफ ट्रेडिशनल पैटर्न का इमेज जो शटर स्टॉक में ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि हमारे जैसा डिजाइनर जो ऑलरेडी डिजाइनर बना के फिर वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो आप इमेज को तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसी इमेज को अपना डिजाइनिंग के लिए यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारा ट्रेडिशनल इमेज मिल जाएगा, बहुत सारा ट्रेडिशनल मोटिव मिल जाएगा, और वहाँ से कोई भी मोटिव आपको जो सूटेबल लगे, आपका जो लगे कि नहीं ये मोटिव हमारा डिजाइनिंग के लिए काम आ सकता है, वो मोटिव को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि कोई मोटिव, कौन सा मोटिव अच्छा होगा, बेसिकली कोई भी डाउनलोड कर सकते, आप ये वाला मोटिव डाउनलोड कर सकते, ये वाला डाउनलोड जस्ट वैसे ये वाला डाउनलोड करना चाहूँगा, जस्ट सिंपली इसको मैंने क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगेगा।
उसके बाद जब आपका ऐसा बड़ा थंबनेल वाला पेज आएगा वहाँ पे जाकर आपको जो ये वाला जो एड्रेस बार है उसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाकर कॉपी करिएगा एंड noha.cc पे आपको क्लिक करना है। noha.cc आपको पूरा वेबसाइट है वहाँ पे जाना है एंड उसके बाद आपको जस्ट फाइंड स्टॉक में आपको क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज आ जाएगा। नया पेज में आपको उस जो एड्रेस बार ने अपने जो इमेज को कॉपी किया है उस इमेज का एड्रेस बार से यहाँ पे जाकर उसको पेस्ट कर देना। आपको जस्ट पेस्ट करेंगे तो आपको एंटर दबाएंगे तो आपको थोड़ा सा बफरिंग होने में टाइम लगता है। उसके बाद आपको यहाँ से कहीं पे भी आपको फाइंड लिंक का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपको फाइंड लिंक का ऑप्शन यहाँ पर है जो कि noha.com एक फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐड आता है तो इसीलिए आपको कहीं पे भी वो ऑप्शन मिल सकते हैं, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो कहीं पे भी ऑप्शन मिल सकता है। आपको जस्ट फाइंड लिंक का ऑप्शन ढूंढना है देन आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको क्लिक व्यू का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा अगर ये फाइंड इट हो तो। मतलब आपका कहीं बार ऐसा हो सकता है कि जो कि शटर स्टॉक में जो भी इमेज है यहाँ पे है वो डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं देता बिकॉज मेरे पास जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो लिया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको noha.com से वो क्लिक व्यू का ऑप्शन नहीं मिलता। उसका कारण ये है कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो इमेज हमने डाउनलोड करके जो हम एज ए डिज़ाइनर सपोज मैंने कुछ एक डिज़ाइनर दिया है यहाँ पे शटर स्टॉक में अपलोड किया है तो वो डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा। या तो हो सकता है वो डिज़ाइन मेरा पार्टी या तो कोई कस्टमर ने बोला कि मैं ये डिज़ाइन मैं लेना चाहता हूँ एंड इसको आप शटर स्टॉक से हटा दीजिए तो हम वो इमेज वो हटा देते हैं बिकॉज मेरा भी बहुत सारा डिज़ाइन है शटर स्टॉक में दिया हुआ है तो आप तो वो इमेज को हम हटा देते हैं। एक बार हम इमेज को अगर हटा देते हैं उसका जो थंबनेल है वो तो दिखता है बट उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन शटर स्टॉक नहीं दे पाते, इसीलिए क्या होता है noha.com से भी हम वो इमेज का क्लिक व्यू का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो काफ़ी बार अगर नहीं मिले तो उसमें उदास नहीं हो, दूसरा इमेज को आप ट्राई कर सकते हैं। देन आपको क्लिक व्यू का ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, उसका आप क्लिक व्यू करेंगे तो आपको दूसरा एक पेज में लेके जाएगा। दूसरा पेज में ले जाकर आपको दूसरा कुछ भी आपको दिखा सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं, कुछ भी आपको ऑप्शन दिखा सकते हैं एंड जो कि मेरा ब्राउजर थोड़ा सा स्लो चल रहा है एंड इसके बाद आपको इस तरीके का कुछ वेबसाइट आ सकते हैं। एडिफाई जो आता है जो कि एड एजेंसी के लिए स्पेशली काम करते हैं वहाँ पर जाकर आपको जस्ट स्किप ऐड करना है एंड देन आपको दूसरा एक पेज पर लेके जाएगा है। दूसरा पेज पे ले जाके आपको इस तरीके का कुछ इमेज का ऑप्शन देगा है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है आपका इमेज का एक्सपायर ऐसा दिखाए, इमेज एक्सपायर्ड, तो ऐसा टाइप का ऑप्शन अगर आ गया तो आपको उदास मत होइए। काफ़ी बार ऐसा होता है, आपको जस्ट उसको डिलीट मारना है एंड आपको फिर से आपको noha.com में फिर से वापस जाना है एंड उसको आपको जस्ट फिर से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको फिर से noha.com में जाना है, उसको फाइंड स्टॉक में जाना है एंड फिर से आपको सेम टेक्निक सेम स्टेप को फॉलो करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है एंड काफ़ी बार वो सही भी आ जाता है। उसके बाद आपको फाइंड स्टॉक में जाना है, फाइंड लिंक, क्लिक व्यू, स्किप ऐड, एंड दैट इज डन। सो इस टाइप का काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको इमेज एक्सपायर लिंक या तो कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाया बट आप दो तीन बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ये ऑप्शन ऑब्वियसली मिल जाएगा। अगर इमेज में कोई प्रॉब्लम हो, इमेज अगर डिलीट किया कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है मैं आप लोगों को बताया कि इमेज हमें डिलीट कर देना पड़ता है, कोई कस्टमर हमें बोले कि ये इमेज हमें चल रहा है, ये इमेज हमें चलेगा, इस इमेज को आप शटर स्टॉक से डिलीट मार दीजिए तो उसका हमें डिलीट मारना पड़ता है एज ए सेलर। तो उस टाइम हम इमेज को अगर डिलीट मार देते तो क्या होता है शटर स्टॉक को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन नहीं देता। अगर किसी के पास प्रीमियम वर्जन है जो कि हमारा ऑफिस में जो कि मेरा पर्सनल में भी प्रीमियम वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस टाइप का जब आप प्रीमियम वर्जन से भी अगर डाउनलोड करना चाहते तो वहाँ पे भी ऑप्शन नहीं देता, वो वहाँ पे लिंक फेलियर का ऑप्शन दिखाता है एंड शटर स्टॉक में मैंने डायरेक्ट बात करके देखा है तो उनका ये कहना है कि आप कोई भी सेलर जब इस टाइप का इमेज हटा देते हैं तो वो ऑप्शन आ जाता है, वो यहाँ पे थंबनेल में तो शो करता है बस वो डाउनलोड नहीं होता तो उस टाइम क्या होता है वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अगर आपका वो इमेज डिलीट कर दिया गया है तो इमेज यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखाया क्लिक व्यू का, वहाँ पे वो दिखाएगा कि एक्सपायर लिंक या तो दूसरा कुछ दिखाएगा, यहाँ पे क्लिक व्यू का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जब क्लिक व्यू का ऑप्शन आ रहा है मतलब आपको इमेज डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के लिए जस्ट आपको दो तीन बार ट्राई करना है देन आपको इस टाइप का इमेज का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना डिज़ाइन के लिए यूज़ वो कर सकते हैं, अदरवाइज को जस्ट सेव इमेज करके भी ऑप्शन हो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी मोटिव को शटर स्टॉक से डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो कि शटर स्टॉक में से फ्री मोटिव का डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता इसलिए हम noha.com से इस तरीके से कर सकते हैं। आप वही मोटिव से अपना डिज़ाइनर क्रिएट कर सकते हैं। पर ऐसा होता है हमारा एज अ डिज़ाइनर हमें दिमाग में स्टक हो जाता है कि कौन सा टाइप का डिज़ाइनर बनाएं, कैसा टाइप का हमें फ्लावर लेना है, कैसे टाइप का हमें ज्योमेट्रिकल मोटिव लेना है, कैसा टाइप का हमें ट्रेडिशनल मोटिव लेना है। इसीलिए जो कि रिनाउंड हुआ स्टॉक इमेज सेलर है जो कि जैसे कि आपका शटर स्टॉक हो गया, फिर आपका डिपॉजिट फोटो हो गया, फिर ड्रीम्स टाइम,
फिर आपका आई स्टॉक, फिर आपका और एक जो कि डिज़ाइन डिज़ाइन बंडल, फिर आपका दूसरा जो कि क्रिएटिव मार्केट, इस टाइप का जो भी वेबसाइट है जो कि रिनाउंड स्टॉक इमेज सेलर है, तो वहाँ से आपको बहुत सारा मोटिव मिल जाएगा, बहुत सारा जो आइडियाज़ मिल जाएगा, जहाँ से आप मोटिव को डाउनलोड करके आप उसी पैटर्न का नया मोटिव बना सकते हैं, नया टाइप का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसा वेबसाइट दिखाना चाहूँगा जो कि आप बिना वाटरमार्क का मोटिव डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने noha.com से डाउनलोड किया, सेम उसी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक आपको पहले मैं लेकर जाऊँगा विक्टर स्टॉक का इमेज, जो विक्टर स्टॉक का जो साइट है, विक्टर स्टॉक में आप जाएंगे, वहाँ पे आप फ्लावर सर्च कर सकते हैं, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल मोटिव सर्च कर सकते हैं, चाहे आप ज्योमेट्रिकल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा मोटिव यहाँ पे भी मिल जाएगा। विक्टर स्टॉक में जाके आप जस्ट यहाँ पे लिखिए बोटानिकल फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे बोटानिकल आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपल फ्लावर लिख सकते हैं, FLOWERS फ्लावर्स लिख सकते हैं, आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न लिख सकते हैं, आप ट्रेडिशनल लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं बेसिकली। एंड विक्टर स्टॉक में आपको इस तरीके का दो ऑप्शन मिल जाता है, एक आता है ऑल विक्टर, एक आता है फ्री विक्टर, जो कि फ्री विक्टर में आप अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो फ्री में है वही सिर्फ आपको दिखाएगा, जो ऑल मतलब जो परचेस करना पड़ेगा वो आपको नहीं दिखाएगा, बट वो काफ़ी कम होता है, बिकॉज जो फ्री में है बहुत कम रहता है। एंड जो फ्री में रहता है उसको आप EPS फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसका जो PSD फाइल है या तो TIFF फाइल है वो भी आप काफ़ी बार डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपके ये वाला जो मोटिव है बहुत सिंपल लग रहा है, इस टाइप का मोटिव भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट आपको फ्री में जाना है, उसके बाद आपको फ्री डाउनलोड करना है, एंड फ्री का ऑप्शन में आपको डाउनलोड मिलेगा, जस्ट आपको वहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, जरूरी साइन इन करना जरूरी है, जो मेरा जो ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, जस्ट को मैं लॉग इन करूँगा तो मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा। एंड जो भी मैं आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, उस वेबसाइट को आपको साइन इन करना बहुत ही ज़रूरी है, एंड उसके बाद आप डाउनलोड जिप का ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वो फाइल मिल जाएगा, जो कि आप डाउनलोड जिप के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पूरा EPS फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको अगर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको फ्री में काम नहीं चल रहा है, तो आपको पूरा ऑल विक्टर में जाना पड़ता है, एंड ऑल विक्टर से जो इमेज मिलता है वो भी काफ़ी टाइम क्या होता है, वो अच्छा क्वालिटी का होता है, एंड वही इमेज को आप अपना डिज़ाइन के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आप लोगों को कोई भी एक इमेज दिखाना चाहूँगा, लेट्स सपोज ए वाला एक मोटिव ले लिया, जो ए वाला मोटिव मुझे अपना डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है, या तो ए वाला मोटिव या तो कोई भी मोटिव, बेसिकली आपको कोई भी मोटिव आप लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। एंड ए वाला जो मोटिव है, यहाँ से अगर जस्ट सिंपली डाउनलोड JPG प्रीव्यू करेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मोटिव मिल जाता है, जो कि हमारा डिजाइनिंग के लिए वो काम आ सकते हैं। जैसे कि ये वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कोई भी वाटर कलर का कोई भी वाटर मार्क नहीं रहता, तो इसीलिए आपको ये सबसे फायदेमंद हो जाता है। विक्टर स्टॉक में जाके आप कोई भी मोटिव को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी यहाँ पे वाटर मार्क नहीं मिलता, कोई भी मोटिव चाहे ये वाला हो गया, चाहे तो ये वाला हो गया, चाहे तो कोई भी मोटिव आप ऐसा जो कि फ्लोरल हो, ज्योमेट्रिकल हो, ट्रेडिशनल हो, कुछ भी मोटिव को, इस तरीके का कोई भी मोटिव आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जस्ट डाउनलोड JPG प्रीव्यू करेंगे एंड वो मोटिव को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी मोटिव को आप डाउनलोड करके अपना डिजाइनिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, एंड मोटिव काफ़ी अच्छा होता है अपने डिजाइनिंग के लिए, वो यूज़ आप कर सकते हैं एक बार। उसके बाद और भी कुछ वेबसाइट है जो कि आपको बताना चाहूँगा, फ्री पिक भी एक वेबसाइट है, आप लोगों को शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फ्री पिक में जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप 24 घंटे में रोज का 5 ऐसा PSD फाइल या तो आप EPS फाइल कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। आप ज्योमेट्रिकल शेप लिख सकते हैं, फ्लोरल लिख सकते हैं, कोई भी मोटिव आप लिख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे देखिएगा एक साइन आपको फॉलो करना है, जो आपको ये वाला जो राजा महाराजा का साइन है वो साइन क्या हो, प्रीमियम मेंबर के लिए, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो 5 भी वो फ्री नहीं होगा, बट जो आपका फ्री है, लाइक ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, एंड ये वाला फ्री ऑप्शन है, ये वाला फ्री ऑप्शन है, ये वाला फ्री ऑप्शन है, जिस तरीके का जो फ्री मोटिव है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप जाके ट्रेडिशनल लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल मोटिव लिख सकते हैं, जो कि आप ट्रेडिशनल मोटिव आपको और चाहिए तो ट्रेडिशनल मोटिव के हिसाब से आप सर्च आउट करके अपने हिसाब से जो डिज़ाइने चाहिए वो आप सर्च आउट करके ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको फ्लोरल लिख सकते हैं। एंड बेसिकली ये वाला जो जितना भी वेबसाइट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सब फ्लोरल डिज़ाइन के लिए ही ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, जो बेसिकली बोटानिकल फ्लोरल हो, या तो आप वाटर कलर का फ्लोरल हो, या तो आपका ज्योमेट्रिकल टाइप का थोड़ा सा अलग शेप का फ्लोरल हो, तो इस टाइप का फ्लोरल इमेज के लिए हम इसी वेबसाइट से आते हैं। एंड ट्रेडिशनल एंड एथनिक जो हमारा मोटिव होता है उसके लिए कुछ अलग वेबसाइट है, उसके लिए मैं कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट में, इस वेबसाइट में जो कि कुछ मोटिव आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला मोटिव आप ले सकते हैं, ये वाला मोटिव का जो वाटर कलर इफेक्ट देखिए पूरा बनाया गया इस फ्लावर को, ये फ्लावर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्लावर का जो भी हाई क्वालिटी का मोटिव है, आप चाहे तो इसको जस्ट राइट क्लिक करके सेव इमेज करके भी दे सकते हैं, ये भी आपका विक्टर स्टॉक जैसा ही अच्छा क्वालिटी का इमेज देते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी इमेज रहता है। ये इमेज को डायरेक्टली आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बार अच्छा क्वालिटी मिलता है, काफ़ी बार नहीं भी मिलता है, बट आप उसको एक बार 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपका डाउनलोड का ऑप्शन, आप इसको जस्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको प्रीमियम में तो
आपको परचेस करना पड़ेगा, आपको फ्री डाउनलोड करने के ऑप्शन देता है, बिकॉज ये फ्री में ऑप्शन ये देता ही है, आपका फ्री पिक में ऑप्शन है। आपको दिन में आप अगर 5 इमेज ऐसा डाउनलोड करना चाहते हैं, 5 ऐसा ईपीएस फाइल है तो PSD फाइल आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन देता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप अगर उसमें एट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जस्ट उसको कॉपी करना है, इस तरीके से आपको दूसरा कुछ करना है, आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। ये पूरा जिप फाइल देता है जो कि ईपीएस फाइल होता है, एंड जो कि अभी डाउनलोड हो रहा है, तो मैं जैसे विक्टर स्टॉक का जो इमेज है उसको भी एक बार खोल कर दिखाना चाहूँगा। सो इन फोल्डर में जाते हैं, उसके बाद मैं जो इमेज खोलता हूँ एक बार खोलने के बाद, एंड उसको विक्टर स्टॉक में जाते हैं। यहाँ पे जो ईपीएस फाइल है, जो सबसे बड़ा ईपीएस फाइल है, जो देखिएगा सबसे, जेपीजी फाइल आपको नहीं खोलना है, पीएनजी फाइल आपको नहीं खोलना है, जस्ट जो ईपीएस फाइल है उसी को खोलना है। जस्ट राइट क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ईपीएस फाइल खोलने का ऐसा ऑप्शन आएगा। एंड आपको ईपीएस फाइल खोलने के बाद, क्योंकि बिकॉज ये मैं दिखा रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि जो फ्रेशर है, जो बिगिनर होते हैं, उनको ये ऑप्शन भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपको एंटी अलाइज जो ऑप्शन है उसको आपको अनचेक कर देना है, कभी भी उसको चेक नहीं करना है। एंड यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन जाएगा उसको आपको छेड़खानी नहीं करना है, उसको आपको कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन करना है, उसको ओके करना है। एंड आपका मोटिव भी पूरा आ जाएगा, जो कि पूरा आपका ईपीएस फाइल आपको मिल जाएगा। एंड आपके पास अगर इलस्ट्रेटर है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, पूरा इलस्ट्रेटर फाइल आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा लेयर वाइज आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो हमने अभी डाउनलोड किया था फ्री पिक से, वो भी आप लोग एक बार दिखाना चाहूँगा। बोटानिकल फ्लावर जो हमने फ्री पिक से डाउनलोड किया था, सेम चीज़ आएगा। अपना फ्री पिक से डाउनलोड करें, या तो आप वहाँ से डाउनलोड करें विक्टर स्टॉक से, वहाँ पर आपको दोनों टाइप का, सेम टाइप का मोटिव आप लोगों को मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी का, हाई रेजोल्यूशन का आपको इमेज एंड हाई रेजोल्यूशन का आपको मोटिव मिल जाएगा। एंड यही मोटिव से आप अगर अपना डिज़ाइनें बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही वो हेल्पफुल रहेगा। देखिए इसका क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, जो कि आपका डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एंड फ्री पिक के बाद मैं आपको दूसरा जो वेबसाइट है वो आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि रॉ पिक्सल। रॉ पिक्सल क्या है? सेम फ्री पिक जैसा ही है, जैसे हमने फ्री पिक में पूरा अपने मोटिव को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा ईपीएस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ही सेम हम रॉ पिक्सल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड रॉ पिक्सल में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे फ्री प्रीमियम एंड पब्लिक डोमेन। तो पब्लिक डोमेन में जस्ट आप जाके आप सर्च आउट करेंगे, कोई भी आर्ट सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, कोई भी आर्ट आर्टिस्टिक टाइप का बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं, वाटर कलर सर्च कर सकते हैं, बोटानिकल फ्लावर सर्च कर सकते हैं, कोई भी मोटिव जैसे हमने थ्री पी में देखा, तो सेम टेक्निक यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप आर्ट हमने लिख दिया, आर्ट टाइप का कोई भी हमें अगर मोटिव चाहिए, आर्ट टाइप का कोई भी हमें अगर बैकग्राउंड चाहिए, उस टाइप का मोटिव हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सेम तरीके से उसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज ये सब फ्री है। तो आपको जस्ट यहाँ पे पब्लिक डोमेन में क्लिक करना है, तो कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारा फ्री वेबसाइट मिल जाता है, जो कि फ्री आपको मोटिव मिल जाएगा, जहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, अपना डिजाइन के लिए यूज बहुत ईजिली कर सकते हैं। जैसे आपको इस टाइप का जो बर्ड है उस टाइप का आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सर्टेन के लिए काम आता है। एंड इस टाइप का जो आपको बैकग्राउंड है फ्लोरल टाइप का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे आपको सिंपली ये वाला जो इमेज है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आपको फ्री इमेज भी मिल जाएगा, इसका फ्री टिप फाइल भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों आपको मिल जाएगा। एंड उसके साथ आप डाउनलोड करेंगे तो उसको फ्री डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप उसका लॉगिन करके रखेंगे, बिकॉज मेरा ये पूरा लॉगिन किया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। सिंपली आपको जस्ट ईमेल आईडी देना है, आपको क्लिक 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 ओके करना है। आपको अगर ईमेल आईडी कंफर्मेशन चाहे, आपको ईमेल आईडी में जाना है, उसको कंफर्म करना है, तो आपको ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको पूरा लॉगिन आईडी आ जाएगा। देन आपको कोई भी इमेज अगर फ्री में आप डाउनलोड करना चाहे तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, जब आपको यहाँ से फ्री में ऑप्शन का मिल जाता है, जैसे आपको यहाँ पे फ्री में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डाउनलोड। देन आपको क्लिक करना है, वन क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आपने देखिए 2.89 MB का जो कि आपका जेपीजी फाइल है। आप अगर इसको अगर टिप फाइल डाउनलोड करना चाहते तो टिप फाइल भी डाउनलोड हो जाएगा। टिप फाइल का साइज़ है 180 MB, जो कि मेरा 180 MB मैं अभी नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। एंड उसके लिए टाइम भी लगेगा गाइस, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं रॉ पिक्सल में से। एंड उसके बाद मैं आपको दूसरा जो वेबसाइट दिखाना चाहूँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एडोबी स्टॉक। एडोबी स्टॉक में से भी आपको बहुत सारा इमेज एंड बहुत सारा क्वालिटी इमेज मिल जाएगा, जो कि मैंने इकेत का भी कुछ दिन पहले सर्च आउट किया था, इसलिए इकेत वाला यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ से फ्लोरल सर्च कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सर्च कर सकते हैं, इकेत भी सर्च कर सकते हैं। जैसे इकेत टाइप का मोटिव आपका अगर सर्च आउट करना चाहिए, ये वाला मोटिव इकेत वाला है, ये वाला मोटिव इकेत टाइप का है, एंड ये वाला टाइप का जो पैटर्न है वो इकेत टाइप का है। यहाँ से आप कैसे मोटिव डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को टेक्निक बता देता हूँ। लाइक आपको ये वाला मोटिव आपको डाउनलोड करना है, ये वाला पैटर्न आपको डाउनलोड करना है। पैटर्न डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड प्रीव्यू। एंड ऑब्वियसली डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना जरूरी है, जैसे मैं आपको रॉ पिक्सल में बताया, सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है, अदरवाइज वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको डाउनलोड करने के लिए जस्ट लॉगिन करना पड़ेगा, सेम आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा एंड उसको कंफर्मेशन करना पड़ेगा, देन आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड देन आपको जाना है यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको डाउनलोड प्रीव्यू करके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो मुझे खास लगता है, यहाँ पे भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो आपको ईपीएस फाइल मिल जाता है, काफ़ी बार होता है कि इमेज फाइल भी मिलता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको ईपीएस फाइल भी मिल जाता है। जैसे कि आपको ये वाला दिख रहा है, आपको इलस्ट्रेटर फाइल आपको यहाँ पे मिल गया है। एंड उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, या तो आपको जस्ट
डबल क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। एंड सेम टेक्निक आपको एंटी अलाइज ऑफ करना है, 150 रेजोल्यूशन जाना है, इसको जो रेजोल्यूशन रहेगा वही इसको एंटर मारेंगे तो आपको देखिएगा काफ़ी अच्छा एक इलस्ट्रेटर फाइल आपको यहाँ पे मिल गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे दूसरा और ज़्यादा कोई वाटरमार्क नहीं रहता, सिर्फ यही एक वाटरमार्क रहता है जो कि आप यहाँ से आप कोई भी मोटिव लेके उसका आप अगर प्लेस करेंगे तो आपका ये वाटरमार्क हट जाएगा। जस्ट मैं इसको अगर यहाँ पे लेके कंट्रोल जे दबा के यहाँ पे अगर इसको प्लेस कर दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली वाटरमार्क हट जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा। आपको जस्ट ये वाला इमेज को ऑफसेट मारना है, बाकी का पोर्शन कॉपी करना है, देन उसके बाद ये वाला ऑप्शन को अगर ढक देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पोर्शन पूरा ढक जाएगा। इस तरीके से भी कोई भी मोटिव को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एडोबी स्टॉक इमेज से। एंड उसके बाद जो आपको दिखाना चाहूँगा और एक इमेज साइड है जो कि विक्ट क्रेजी का भी ऑप्शन है, दोनों वो भी एडोबी स्टॉक जैसे ही है, सिर्फ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। एंड उसके बाद यहाँ से भी आपको फ्री बहुत सारा इमेज मिल जाएगा जो कि आपका विक्ट स्टॉक एंड आपका फ्री पिक एंड ड्रॉ पिक्सल जैसे ही है विक्ट क्रेजी। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा बोटानिकल फ्लावर बोटानिकल फ्लावर्स करके लिख सकते हैं, विंटेज टाइप का फ्लावर लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मोटिव लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा इमेजेस मिल जाएगा जहाँ से आप इमेजेस को फाइंड आउट करके, जैसे कि ये वाला इमेज देखिए फ्री में आपको मिल जाएगा, बहुत एक हाई क्वालिटी का हाई ग्रेडेड इमेज। एंड ये वाला सब फाइल आपको UPS फाइल मिल सकता है, PhD फाइल मिल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एंड यहाँ से भी काफ़ी इमेज काफ़ी मोटिव मैंने डाउनलोड किया अपना डिज़ाइनिंग के लिए, एंड वही मोटिव वही इमेज को डाउनलोड करके आप अपना डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको फ्री ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड फ्री एंड देन डाउनलोड करना है। एंड सेम टेक्निक है, सेम वही ऑप्शन आ जाएगा एंड योर डाउनलोड विल बी सीन। अलग अलग टाइप का ऐड आता है, कुछ टाइप का कुछ आता है, कुछ कुछ आता है, तो अलग अलग ऑप्शन आता है। एंड आपके बाद उसके बाद आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा, पूरा PhD फाइल आपका डाउनलोड हो रहा है, देख रहे हैं जिप फाइल है। उसके बाद आपको सेम टेक्निक है, सेम टेक्निक अप्लाई करके पूरा PhD फाइल आपको खोलना है। एंड इस सारा जो भी वेबसाइट है यहाँ से आपको प्रीमियम भी मिलता है, यानी यहाँ से आपको फ्री में भी मिलता है। एंड जो आपका ऑफिस होगा या तो जो जहाँ पे आप जॉब करने जाएंगे या तो आप फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हैं, आपको अगर नया क्रिएशन करना है तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको इसका जो प्रीमियम वर्जन है आपको लेना पड़े। जैसे कि मेरा शटरस्टॉक का पूरा जो प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मुझे भी कुछ इमेज डाउनलोड करके अपना डिज़ाइनिंग के लिए बनाना पड़े, तो उस टाइम मैं पूरा जो ओरिजिनल इमेज डाउनलोड करना है उसका जो EPS फाइल है वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, उसका फ्री वर्जन ज़रूरत नहीं पड़ता मेरे लिए। तो ऐसा हो सकता है आप जो ऑफिस में जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पे भी आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आपके लिए पूरा एक परचेस करके वो ऑफिस में रखें ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो यहाँ पे गया, यानी यहाँ पे देखिए आपको zip फाइल यहाँ पे मिल गया, ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद सेम टेक्निक है, आपको जस्ट EPS फाइल को ओपन करना है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का एक मोटिव मिल जाएगा जो आपका डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकता है। देखिए पूरा EPS फाइल आपको मिल गया, एंड इसको मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए पूरा EPS फाइल जो कि एकदम हाई क्वालिटी का है, इस टाइप का पूरा आप EPS फाइल लेके अपना डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको पता चल रहा होगा कैसे पूरा एक मोटिव को डाउनलोड करना है बिना वाटरमार्क का, कैसे आप मोटिव को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप बहुत सारे जो वेबसाइट में आप लोगों को बताया उस वेबसाइट में जाके आप मोटिव डाउनलोड करके अपना डिज़ाइनिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप विक्ट्रो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, EPS फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, TIFF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दिया। एंड उसी तरीके से आप मोटिव को डाउनलोड करके आप उसका हाई क्वालिटी का मोटिव या हाई क्वालिटी का फ्लोरल हाई क्वालिटी का ज्योमेट्रिकल शेप लेके आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। एंड जो कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको वीडियो से शुरुआत में आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि आपको मैं टेक्निक एक हाई क्वालिटी का टेक्निक एक प्रीमियम क्वालिटी का टेक्निक आपको बताने वाला हूँ जो कि शायद ये सब सिखाने के लिए लोग पैसा लेते हैं, लोग चार्ज करते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक मैंने सीखा था कि कोई भी एक मोटिव को हम जब डाउनलोड करना चाहते हैं राइट क्लिक बिना करके भी ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, कहीं ऐसा वेबसाइट मिलता है जहाँ पे हम राइट क्लिक करके इमेज डाउनलोड करना चाहें, अब वो इमेज हम डाउनलोड नहीं कर सकते, तो वहाँ से हम कैसे इमेज को डाउनलोड कर पाए, वहाँ से हम कैसे हाई क्वालिटी का एक मोटिव को अपने डिज़ाइनिंग के लिए ले सके, तो वही टेक्निक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल में है, कि जो भी मैं वेबसाइट आप लोगों को दिखाया, जो भी मैं आप लोगों को अभी तक का डिज़ाइनिंग का जो वेबसाइट दिखाया वो वेबसाइट को मैंने अभी तक पहुंचा कैसे, तो उसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया, तो वो भी आप लोगों को मैं टेक्निक बता दूंगा। एंड देन मैं आप लोगों को कैसे आप एक इमेज को राइट क्लिक बिना करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वो टेक्निक भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सो चलिए अपने PC में चलते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी मोटिव अगर सर्च आउट करते हैं, चाहे यंडेक्स पर सर्च आउट करें, चाहे हम गूगल में सर्च आउट करें, तो पहले ही आपको जब भी मोटिव सर्च आउट करना हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर सर्च आउट करूँगा कि ट्रेडिशनल TRADITIONAL ट्रेडिशनल हमने सर्च कर लिया, ओ सॉरी,
तो ट्रेडिशनल हम जैसे ट्रेडिशनल पैटर्न सर्च कर सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस सर्च कर सकते हैं, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं, ट्रेडिशनल पेंटिंग सर्च कर सकते हैं, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। तो जब हम सर्च आउट करेंगे तो उस टाइम सर्च आउट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जो वेबसाइट आपको बहुत सारा अच्छा क्वालिटी का इमेज दे सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का डिज़ाइन पैटर्न दे सकते हैं। तो वो वेबसाइट से आपको जाना है। एंड अगर आप वेबसाइट से नहीं जा रहे हैं तो वो वेबसाइट पर मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट आपको मोर इमेज पे क्लिक करना है, देन मोर इमेज पे जाने के बाद आपको पर्टिकुलरली जो वेबसाइट से हमें ये इमेज बिलोंग्स करते हैं वो वेबसाइट पे हमें जाना है। लाइक जैसे कि ये वाला वेबसाइट है, तो ये इमेज अगर हमें लेना हो तो ये इमेज से हम जाके उसके बाद हम जो वो वेबसाइट का जो ओरिजिनल इमेज है वहाँ पे हम जाना चाहेंगे। उसके जब हम स्केच आर्ट में क्लिक करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो खोल के आ जाएगा। उसके बाद मुझे अलग अलग वेबसाइट का पैटर्न मिल जाएगा, अलग अलग यहाँ से फोटोज़ मिल जाएगी, यहाँ से आपको बहुत सारा फोटोग्राफी पेंटिंग अलग अलग ऑप्शन मिल जा रहा है। एंड उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पॉप अप क्लिक करेंगे, ड्राइंग में जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में क्लिक करेंगे, फाइन आर्ट क्लिक करेंगे, तो आपको वैराइटीज ऑफ सर्च मोटिव मिल जाता है, वैराइटीज ऑफ ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे में कोई भी आप अगर सर्च आउट करेंगे, कोई भी इस तरीके से आप अगर मोटिव को सर्च आउट करेंगे तो आपको वैराइटीज आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इस तरीके से मैं जो भी आपको वेबसाइट बताया, जो भी आप लोगों को फ्री पिक का, रॉ पिक्सल का, एडोबी स्टॉक का, सब वेबसाइट में इसी तरीके से ही फाइंड आउट किया था। सेम टेक्निक आप लोगों को अप्लाई करना है यंडेक्स में भी। यंडेक्स में भी जाके आप अगर कुछ भी लिखेंगे, आपको फ्लोरल लिखना है, फ्लोरल आप लिखना है, तो फ्लोरल में जाएंगे तो आपको पहले डायरेक्ट इमेज में नहीं जाना है। यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट मिलता है, वहाँ पे आप क्लिक करके देखिएगा, आपको बहुत सारा वेबसाइट में से शायद कुछ अच्छा मोटिव या तो शायद कुछ अच्छा पैटर्न जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल सकता है। एंड या तो हो सकता है आपको यहाँ पे जब इमेज में जाना है, इमेज में जाने के बाद जैसे कि मुझे लग रहा है ये वाला जो इमेज है इसका जो क्वालिटी, देखिए इसका जो क्वालिटी कितना हाई क्वालिटी है, 3000 मतलब 350,000 मतलब सोच सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का इमेज है। तो इमेज को हम डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करके अपना काम खत्म कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप कर सकते हैं जो कि इसका इमेज का ओरिजिन में जा सकते हैं। इमेज का ओरिजिन में जाने के लिए आपको जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो इमेज का ओरिजिन पिंटरेस्ट से बिलोंग कर रहा है, तो पहले पिंटरेस्ट में हम जाएंगे। तो पिंटरेस्ट में जाने के बाद देखिए, पिंटरेस्ट में जाने के बाद भी पिंटरेस्ट कोई इमेज को डायरेक्टली वो नहीं डाल सकते, पिंटरेस्ट में कोई अगर इमेज डालते तो ही पिंटरेस्ट में आते। तो पिंटरेस्ट में इमेज से डाल आपको ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके पहुँच जाएंगे। एंड हो सकता है कि वो इमेज छोड़ के भी और भी बहुत सारा इमेज आपको इस कैटेगरीज का, इस टाइप का आपको इमेज मिल जाए ये पर्टिकुलर वेबसाइट। उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इसी टाइप का मोटिव सर्च आउट करते करते ऐसा बहुत सारे एक अच्छा वेबसाइट पर हम पहुंच जाते हैं, जहां से हम इस तरीके का विक्टर स्टॉक या तो इस तरीके का हम फ्री पिक का जैसे वेबसाइट पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छा एक मोटिव डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। एंड गाइस, मैं जैसे आप लोगों को बताया इसी टाइप से आप जैसे मोटिव सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत सारा अंदर अंदर का मोटिव जो कि ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसी टाइम जैसे मैंने सर्च आउट किया था, काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस टाइप का आपको मोटिव मिल जाए जो कि आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का मोटिव मिल जाए। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो कि इस टाइप का जो कि मोटिव है, देखिए ये वाला जो मोटिव है इसका जो क्वालिटी है बहुत ही हाई है, इसका देखने से ही पता चल रहा है बहुत ही हाई क्वालिटी का मोटिव है, ठीक है। तो एक बार क्लिक करते हैं उसका जो ओरिजिनल साइट है वहाँ पे हम जाते हैं। तो उसको ओरिजिनल साइट में हमने क्लिक किया, किस तरीके का पूरा एक ओरिजिनल साइट आ गया जिसका जो क्वालिटी हम देखना चाहेंगे कि कैसा क्वालिटी है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत ही बड़ा इमेज है, इसका साइज है बहुत ही बड़ा होगा कि आपको दिख ही रहा होगा, पूरा बड़ा क्वालिटी का इमेज है। तो अगर इस इमेज को हम डाउनलोड करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेव इमेज का ऑप्शन नहीं है। ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है, हम यहाँ पे जाके और भी आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला इमेज मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा एंड इसके बाद जो इसका भी ओरिजिनल इमेज का साइज़ है वो भी बहुत ही बड़ा है। एंड काफ़ी बार ऐसा इस टाइप का जो हमें ओरिजिनल वेबसाइट में हम जाते हैं तो काफ़ी बड़ा बड़ा इमेज हमें मिलता है, बट बहुत ही अच्छा क्वालिटी है लेकिन राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं, सेव इमेज हम नहीं कर सकते। तो हम वो ऑप्शन को कैसे अवेलेबल करवाएं एंड वो ऑप्शन को हम कैसे ले सकें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड आई होप आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे, तो प्लीज़ गाइस कमेंट बिलो कि आई एम एक्साइटेड टू लर्न दैट। तो इसलिए ताकि मैं भी आप लोगों को समझा पाऊँ कि मैं भी आप लोगों से इंस्पायर हो पाऊँ, इस तरीके का और भी वीडियोज़ में ला पाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके जस्ट आपको राइट क्लिक करना है, जब आपको इंस्पेक्ट करके एक ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्ट करके ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक पूरा पेज खुल जाएगा। एक्चुअल में ये जो पेज है HTTP का पेज है, मतलब आप जब वेबसाइट बिल्डिंग करते हैं उस टाइप आपको पूरा HTTP का इस टाइप का पेज आपको बिल्डिंग करना पड़ता है। एंड आपको वही टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे ये इमेज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सपोज मुझे ये इमेज लेना है, इस इमेज के ऊपर लेना है, तो इस इमेज के ऊपर जस्ट मैंने इंस्पेक्ट क्लिक किया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है एंड इस इमेज का जो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है इस ऑप्शन में जस्ट आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा जो कि ये इमेज का एग्जैक्टली साइज है यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखना होगा ये वाला जो इमेज है उसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक करूंगा एंड राइट क्लिक करने के बाद उसको आप जब ओपन विथ न्यू टैब करेंगे तो आपको दिखेगा पूरा इमेज का जो हाई क्वालिटी फाइल है वो आपको मिल गया। उसके बाद आपको सेव इमेज कर सकते हैं। मेक सेंस?
अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ अगर सही लगा, तो प्लीज़ गाइस कमेंट बिलो। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, तो ही मुझे लगता है कि नहीं, आप लोग लाइफ में मैं कुछ अच्छा चीज़ कर पा रहा हूँ। फिर दिन मैं आपको दूसरा दिखाना चाहूँगा, जैसे कि जो दूसरा वेबसाइट हमने देखा था फ्लिकर करके, ये वाला, तो ये वाला इमेज भी सेम टेक्निक है, सेम टेक्निक यूज़ करना। इसमें भी हमें राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इंस्पेक्ट में जाएंगे एंड उसके बाद आपको जाने के बाद आपको देखिएगा उसका पूरा जो एक्चुअल इमेज है वो यहाँ पे आ गया। इसका जो फाइल साइज आपको दिख रहा होगा 1200 पिक्सल बाई 2048 पिक्सल, सोच सकते हैं कितना हाई क्वालिटी है। एंड इसका जो जो थंबनेल फाइल है ना, वो इतना फाइल आपको डाउनलोड, जब पिंटरेस्ट आप डाउनलोड करेंगे तो उसका इतना फाइल आपको मिलेगा, बिकॉज वो थंबनेल है। एंड इसका जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे है, तो इसको आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओपन विथ न्यू टैब करना है। आप देखिए बहुत ही हाई क्वालिटी का, एंड ये हाई क्वालिटी का नहीं मोटिव मिला, ये एक्चुअल में मोटिव नहीं है। एंड काफ़ी बार ऐसा धोखा भी हो जाता है, आप देख लीजिएगा। एंड ये वाला मोटिव शायद ओरिजिनल, हाँ ये वाला मोटिव ओरिजिनल है। इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ न्यू टैब, एंड उसके बाद आप देखिए बहुत ही हाई क्वालिटी का इमेज मिल गया। एंड उसके बाद हम इसको सेव इमेज कर सकते हैं, अपना डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एक बार फोटोशॉप में ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा, तो आपको पता चलेगा कि इसका एग्जैक्टली हाई क्वालिटी कितना हमारा काम आ सकता है। एंड इसको आप देख सकते हैं जूम करके कितना हाई क्वालिटी का इमेज है। इसका साइज देखेंगे एंड 28 इंच का साइज है, तो आपको बहुत सारा हाई क्वालिटी का मिल गया। उसके बाद आप इसको 150 रेजोल्यूशन लेके जाएंगे, आरजीबी सैंपल को ऑफ करके, तो ऑटोमेटिकली आपका काफ़ी बड़ा इमेज मिल जाए, जो कि आपका काफ़ी बड़ा मतलब 13 इंच का फाइल मतलब बहुत बड़ा होता है, तो उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, काफ़ी टाइम इस टाइप को टेक्निक हम यूज़ करते हैं। एंड इसका जो और एक ट्रिक है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, कि काफ़ी बार हो सकता है कि आपको इस टाइप का जो इंस्पेक्ट का ऑप्शन में इमेज का डायरेक्ट लिंक नहीं मिले, तो उसमें क्या करना है, आपको एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन में जाना है, एंड इमेज का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाकर क्लिक करके आपको जस्ट वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करते रहेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। ठीक है, मतलब आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आपको सपोज ए वाला इमेज डाउनलोड करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, एंड डायरेक्टली आपको अगर ये लिंक मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। अगर लिंक नहीं मिले तो क्या करना है, आपको जस्ट एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन में जाने के बाद इमेज में जाना है, एंड इमेज में जाकर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी मोटिव को डाउनलोड कर सकते हैं, हाई क्वालिटी का मोटिव को, जहाँ पे आपको ये मोटिव आप हमारे पैटर्न बैंक में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप अगर जस्ट पैटर्न बैंक में जाएंगे, पैटर्न बैंक जो कि पैटर्न में सबसे रेस्ट्रिक्टेड साइड है, यहाँ पे कोई भी मोटिव को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, एंड बिना राइट क्लिक का ऑप्शन तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। वो अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बट वहाँ पे वाटरमार्क ऑलरेडी रहता है, बिकॉज पैटर्न बैंक में तो वाटरमार्क रहते रहेगा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं ये वाला इमेज को डाउनलोड करने, तो ये वाला इमेज मुझे सही लग रहा है, राइट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर राइट क्लिक करने का तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हमें, जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कोई भी दूसरा पेज में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक तो हमने कर लिया, बट वो इमेज का लिंक हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो यहाँ का ही लिंक हमें मिलेगा। तो उसके बाद क्या करना, जस्ट आपको यहाँ से ड्रैग करते जाना है, तो ड्रैग करते जाएंगे तो क्या होगा, एक्जैक्टली जहाँ पर आपका इमेज है उस यहाँ पर ब्लू कलर का यहाँ पर साइन दिखाएगा, देखिए दिखा रहा है, उसके बाद आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे जाना है, एंड उसके बाद आपको दिख रहा होगा इस टाइप का पूरा एक फाइल मिल रहा है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड इसको एडिट एचटीएमएल करना है। एडिट एचटीएमएल के बाद आपको क्या करना है, इसको जो जेपीजी फाइल है वो आपको फाइंड आउट करना है। कॉपी एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगी, देखिए हाई क्वालिटी का फाइल आपका आ गया। उसके बाद आपको सेव इमेज कर सकते हैं इजीली, आप कोई भी इमेज को इस तरीके से सेव कर सकते हैं इजीली, कोई भी इमेज, चाहे कोई भी आप इमेज हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट से आप इस तरीके से इमेज सेव अप कर सकते हैं। वाटर कलर, फ्लावर हो, कुछ भी टाइप का आपको इमेज जो लगे कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, उस टाइप का इमेज आप डायरेक्टली जाके सेव कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, जो कि ये पूरा पैटर्न बैंक है आपका, यहाँ से आप अगर डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको ऑलरेडी जो कि पैटर्न बैंक का जो वाटरमार्क है वो आपको मिलेगा, उसका कुछ ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम यहाँ से भी अगर डाउनलोड करना चाहेंगे इंस्पेक्ट में जाएंगे, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे जाके इसमें गए एंड यहाँ पे गए, इसका जो छोटा फाइल है वो यहाँ पे मिल रहा है, उसको आप राइट क्लिक करके देख लेते हैं, ओपन इन न्यू टैब, तो जो छोटा फाइल यहाँ पे मिल रहा है वो हमें नहीं चाहिए, जो उसका हम बड़ा फाइल देख लेते हैं एक बार, हमें मिल जाए तो अच्छा होगा। एंड यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे गए, ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाला फाइल अपना बड़ा फाइल हो सकता है, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये वाला, फिर हम यहाँ पे गए, उसके बाद हमें सर्च आउट करना है कौन सा मोटिव, जस्ट आप यहाँ पे सर्च आउट करोगे तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन दिखेगा, ये वाला, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट एचटीएमएल करना है, एंड देन आपको जो जेपीजी फाइल है, जेपीजी फाइल को आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी
एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, कोई भी जगह यहाँ पे जाना है आपको पेस्ट, हाई क्वालिटी का फाइल मिल जाएगा। बट आपको वहाँ पे जो कि पैटर्न में इनका वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे तो उसका वाटरमार्क इनबिल्ड रहता है, इसलिए आपको वाटरमार्क तो मिल ही जाएगा। एंड बिना वाटरमार्क का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उस टाइप का वेबसाइट आपको देखना पड़ेगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि पैटर्न बैंक जैसा साइट से भी आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिला, जो कि एज अ डिजिटल प्रिंट डिजाइनर मुझे भी अगर दो तीन साल बाद ही पता चलता जब मैं डिजाइनिंग शुरू किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा मिलता। मुझे रिसेंटली शायद दो तीन साल पहले पता चला कि मुझे इस तरीके से टेक्निक करके मैं इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे आप इस तरीके से टेक्निक यूज़ करके कोई भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बहुत सारा जो आपको स्टॉक इमेज साइट बताया जहाँ से आपको वाटरमार्क बिना वाटरमार्क का भी बहुत सारा इमेज मिल जाए, तो इस तरीके का मोटिव आप डाउनलोड करके डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पूरा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज गाइस लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करके हमें इंस्पायर करिए ताकि आप लोग मैं और अच्छा वीडियो बना पाऊँ। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेक्निक आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप पूरा वीडियो को दो तीन बार रिवाइंड करके देखिएगा, उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। एंड इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके अप्रिशिएट भी जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए अब वीडियो बनाते हुए। ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगता है एज अ डिजिटल प्रिंट डिजाइनर, आप लोगों को मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ आगे बढ़ने के लिए डिजाइनिंग फील्ड में और भी ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से नया नया टेक्निकल वीडियो भी आप लोगों को मैं लेके आना चाहता हूँ, तो जस्ट लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए जिस लोगों को इस तरीके का टेक्निक ज़रूरत है, जिन दोस्तों को इस तरीके का टेक्निक नहीं पता है। एंड वाटरमार्क बिना वाटरमार्क का मोटिव डाउनलोड करना, और फिर बहुत सारा जो वेबसाइट आप लोगों को बताया, और फिर कैसे आप राइट क्लिक बिना राइट क्लिक करके भी जेपीजी डाउनलोड कर सकते हैं, तो जिन दोस्तों को नहीं पता प्लीज़ उन लोगों को शेयर भी करिए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव। गुड बाय।